जहां मध्य प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं नतीजे 13 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों जो कि रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा और मनिकतला पर उपचुनाव हो रहे हैं। वही उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट के लिए वोटिंग जारी है। हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रवंडी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव है। इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। अन्य 10 में से 2 कांग्रेस ने और अन्य की पार्टी ने 8 सीटें जीती थी। वही लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रहने के कारण भाजपा पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए उपचुनाव में दमखम के साथ अपना दावा ठोक रही है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव की सफलता को भुनाने की कोशिश में है। आज सत्तों के द्वारा हमला किए जाने की बात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या बात हुई है और किस रूप में हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। आप मौके पर आए सर, क्या इस तरह की स्थिति थी, पुलिस फोर्स आया और क्या किस तरह की सूचना यहाँ पर आई थी? देखिए, जो भी चीजें, जब भी कोई सूचना मिलती है कि कहीं पर कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आशंका हो सकती है, तो इस पर त्वरित रूप से मौके पर पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और वही करना भी। कुछ लोग घायल भी हुए सर, जिनको हॉस्पिटल लेके जाना। अभी उस संबंध में कोई प्रामाणिक स्थिति और पुष्टिकारक जानकारी नहीं उपलब्ध हुई। किस तरह शांति व्यवस्था है? शांति व्यवस्था क्या है, आप भी देख रहे हैं, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न चल रहा है। ये लिबरेडी का बूथ नंबर 2।